मेरी बात सुनो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डार्लिंगटन एम्पलीफायर। मैं आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज गेन। अगर आप वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो जो वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर आप स्मॉल सिग्नल मॉडल को देखें, टी मॉडल को, जो आउटपुट वोल्टेज है वो आप बेसिकली इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में ले रहे हैं, तो आपने लिया IE into small RE plus capital RE, तो आपने लिखा IE2 into small RE plus capital RE। अगर आप इनपुट वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज आप फर्स्ट स्टेज से लेते हैं। फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज के मॉडल में आपका जो इनपुट वोल्टेज होगा वो होगा आपका IE1 into RE plus RI2। आपने लिया IE1 into RE plus RI2। अगर आप यहाँ पे IE1 आपको अगर आप डायग्राम में देखें तो जो IE1 और IB2 दोनों बराबर होते हैं, तो आपने IE1 is equals to IB2, और हमको ये भी पता है कि IC होता है आपका बीटा into IB के बराबर। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे IC is approximately equals to IE, तो IE2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा into IB2। यहाँ पे आप अगर रिप्लेस करना चाहें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IE1 को रिप्लेस कर देते हैं हम IB2 से, तो जो आप इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी IE2 into RE plus capital RE divided by IB2 into RE plus RI2। अगर IB2 की वैल्यू की बात करें तो IB2 हो जाएगा आपका IE2 by beta। नेक्स्ट स्टेप में आप रिप्लेस कर सकते हैं IE2 into RE plus RE divided by IB2 की जगह जाएगा IE2 by beta IE2 upon beta into RE plus RI2। RE की कंपैरिजन में RE बहुत बड़ी वैल्यू है और RI2 की कंपैरिजन में RE ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, RE IE2 और RI2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी RE RE अपॉन RI2 अपॉन बीटा। अगर RI2 के बारे में आप बात करें तो RI2 की वैल्यू होती है बीटा टाइम्स RE, तो RE अपॉन बीटा टाइम्स RE अपॉन बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, RE से RE कैंसिल आउट, एप्रोक्सीमेट वोल्टेज गेन की वैल्यू मिलेगी आपको 1। थैंक यू।